प्राचीन कहावत है, खोदा पहाड़ निकला गुफा। और अगर आप खंडगिरी और उदयगिरी केव्स में आएंगे भुवनेश्वर में, तो ये जो है आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी स्टेटमेंट क्यों बोली जाती है। देखिए फिर से जी, हम दुनिया भर को एम्बेरेस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास है इतनी रिचनेस, इतना हेरिटेज, इतनी हिस्ट्री कि बाकी सारी दुनिया को शर्म आनी चाहिए। लानत है आपके ऊपर, मुझसे बात मत। सर रिचनेस की बात करें, 5 करोड़ रुपए दे दीजिए प्लीज। बस पैसे की सोच, कल्चर के बारे में मत सोच। हाँ, कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के बारे में मत सोच, बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री। किंग खरोवाला जो थे 2nd century BC में, उन्होंने यहाँ पे एक्सकेवेशन बना के केव्स बनाने शुरू किए। हजार साल तक केव्स बने। तू तो पैसे के बारे में चिंता कर। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, मतलब उसे एक्सकेवेट करने के लिए कितने पैसे लगे थे? कुछ नहीं लगे थे, पैसे नहीं लगते, प्यार लगता है। तो जैनिज्म में जो है दो मेन स्ट्रीम्स होती है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो यहाँ पर दिगंबर मंक्स बैठा करते थे और प्रेयर्स करा करते थे। और अगर आप पीछे ध्यान से देखें तो आपको दिख जाएंगी बहुत खूबसूरत चीज़ें। एक तो मूर्तियां हैं यहाँ पर, कलिंगा वॉर के पीरियड के आसपास की भी कई लोग कहते हैं कि हैं, और काफ़ी यहाँ पर मूर्तियां हैं। और उसके अलावा जैसे यहाँ पर आप देखें तो ब्यूटीफुल एलिफेंट्स हैं एक आग के ऊपर, एलिफेंट सिम्बल ऑफ रॉयल्टी ऑफ पावर। और ये जो पिलर्स वगैरह बने हैं ये अभी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बनाए ताकि डैमेज ना हो केव्स में। पर देखिए कितनी खूबसूरत जगह। केव्स नहीं बोलते यार, हम उड़ीसा में, उड़िया में इनको बोलते हैं गुफा। गुफा जैसे कि ये है, ये है छोटो हाथी गुफा, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे हाथी बने हुए। तो अलग अलग जब आगे जाएंगे हम आपको अलग अलग टाइप की केव दिखाएंगे, तो उस पे सामने एक नाम लगता है और पीछे लगता है गुफा। गुफा, हाँ समझ गया मैं। हाँ मेरे को, आई एम बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड। यस, आई वॉन्ट टू गुफा आइसक्रीम। नहीं नहीं, वो नहीं होता। तो देखिए छोटे छोटे सिंबल्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही खूबसूरत आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। ये है राजगह गुम्फा। तो यहाँ पर एक गुम्फा है, अगेन वेरी ब्यूटीफुल। और कार्विंग देखिए कितने प्यार से की गई है। बाहर तो खैर ये नए पिलर्स हैं, पर आप अगर अंदर देखेंगे तो बहुत एक काम एटमॉस्फेयर है, ठंड है, शेड है, और इतनी गर्मी में यहाँ बैठने में और पूजा करने में बड़ा मजा आता होगा। पर यहाँ सिर्फ ये नहीं है, बाजा वाला गुफा। हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ। हाँ हाँ, बहुत सारे गुफे हैं। ये जो जगह है बाहर, ये सबसे महत्वपूर्ण केव माना जाता है। इसको बोलते हैं केव नंबर 1, यानी कि रानी गुफा। और रानी गुफा की खास बात यह है कि इसमें कार्विंग्स देखिए, ये कलिंगा वॉर के सीन्स हैं और उस टाइम के सीन्स बनाए हैं जब लोगों के जो दिल में जो भय होते थे, जो डर होते थे, वो सब एक्सप्लेन करे गए हैं। हाथी 10 लोगों को अटैक कर रहा है, यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, यहाँ पर राक्षस हैं, ये देखिए। और दरवाजे कितने छोटे हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा कि लोगों का साइज क्या हुआ करता था उस ज़माने में। देखिए तो यहाँ से अंदर आप जाएंगे तो थोड़ी सी स्लोप एक बनी है नीचे, जहाँ पर सिर टिका के मंक्स जो हैं वो सोया करते थे बिना तकिए के। तो सब कुछ सोचा जा चुका है। और याद रखिए ये जगह ठंडी रहती थी बहुत ज़्यादा। तो ये जो केव सिस्टम्स है, यहाँ पर रानी और राजा बैठा करते थे पीछे। ब्यूटीफुल कार्विंग्स, मतलब एस्थेटिक, एक जो एक कल्चरली सुंदरता को पहचानने की एबिलिटी थी वो एंशियंट इंडियंस में जितनी थी ना, उतनी दुनिया में और किसी के पास नहीं थी। नहीं सर, एंशियंट क्यों, अभी देखो आप इतनी सारी अप्रिसिएशन कर रहे हो, मतलब आपकी भी एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी है। लेकिन आप लोग जब आते हैं ना, ऐसे जो एंशियंट मार्वल्स देखते हैं हमारे देश में, प्लीज़ याद रखिए कि ये लोग जो थे ना, इन्होंने बड़ी सोच लगाई थी, समझ से ये सारी कार्विंग्स की थी। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे, आप इससे इंस्पायर होकर वो मत करिएगा कि मतलब आप दिखा रहे हैं 100 साल बाद किसने लिखा है पप्पू लव्स पिंकी। ये आप मत करिए, हाथ मत लगाइए ने, और आके अपनी कार्विंग मत कीजिए यहाँ पे प्लीज। आपको ना ट्रेनिंग है, ना अकल है, ना उतना कल्चर है जितना एंशियंट इंडियंस को होता था, तो मत कीजिएगा। ये देखिए हाउ ब्यूटीफुल यहाँ पर। ओ सुनने में आया है कि ऊपर वाले लेवल में एक एरिया है जहां पे मतलब आप अगर एको ये ताली या कुछ आवाज करेंगे तो उल्टी पार हिल साइड पे वो एको सुनाई देती है। और एक और जगह है जहां पे एक सीक्रेट टनल था। आप एक केव में जाते हैं, वहां से पीछे एक सीक्रेट टनल था, वहां से कहीं और निकलता था। हाँ, और आप छुप भी सकते थे, अगर कोई अटैक हो या लोग हैं तो आप छुप भी सकते हैं। और अगर टेलीग्राफ से बात करनी हो तो आप लोगों से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं ताली बजा के या साउंड निकाल के। आइए और देखते हैं। तो ट्रांसमीटर वाला एरिया आपने देख लिया जहां से आवाज जाती थी, अब आवाज कहां आती थी और टनल्स किधर हैं वो देखने के लिए आप इधर आइए। आइए ना, अंदर आइए, अंदर आइए, अंदर आइए। ये देखिए ये छेक, और इसके अंदर घुस जाइए आप, घुसिए और देखिए अपने आसपास। मयूर, यस मैं हूं यहाँ पे। कैसे हैं आप? हेलो, अभी मैं हूं और अभी मैं नहीं हूं। वेरी गुड, वेरी गुड। और अपने आसपास देखिए, गुफाओं में टनल्स, बहुत एंशियंट सिस्टम है, बिल्कुल ठंड अंदर।
और ये है विद्याधर। देखिए हाथों में फूलों की माला है, दूसरे हाथों में फूल है और ये जा रहे हैं योद्धाओं के लिए फूल माला लेकर कलिंग वॉर में जो हुई थी 261 BC में, जहां तक मेरे को याद है। मैं था नहीं लेकिन मैंने सुनने में आया, बड़े बुजुर्ग कह गए कि और कितना इंप्रेशन हुआ लोगों के ऊपर कि मतलब 150-200 साल बाद भी कलिंग वॉर के सीन्स यहाँ पर डिपिक्टेड हैं दीवारों के ऊपर, रामायण के सीन्स हैं। और ये देखिए यहाँ पर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक अभी नोटिस किया मैंने, ये देखिए एक स्वास्तिक 2000 कुछ साल पुराना बिल्कुल यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ये है एक एंशंट इंडिया का कल्चरल एक झांकी, मतलब लोग क्या थे, क्या सोचते थे, युद्ध कैसे होता था, कितने साल तक उनकी साइकी में बना रहा। तेरे दिमाग में है कोई 150 साल पुरानी लड़ाई? गुंफा। यस, गुंफा में एकोस बहुत आती है। देखिए आप वहां पे खड़े होकर सुनिए, यहां से आवाज निकलेगी, हेलो 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 हेलो। और बस गया यार। तो दो यहां पर हिल्स हैं, उदयगिरी और खंडागिरी। और उदयगिरी हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। खंडागिरी जो है उसके ऊपर एक जैन मंदिर है जो आपको पीछे दिख रहा है। वहाँ पर 24 तीर्थंकरों के स्टैचूज हैं, माँ दुर्गा का स्टैचू है, माँ काली का स्टैचू है गुफाओं के अंदर। तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हिल है और ये भी। और आप अगर 2-3 घंटे का टाइम लें और गाइड ज़रूर लें तो ये दोनों हिल्स कवर करके अच्छे से इनकी कहानियाँ समझ सकते हैं, क्योंकि ये है हमारी हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए #RoadTripInHistoryTV18 पे हम पूरी इंडिया में घूमते हैं और आपके लिए ऐसे ऐसे नज़रिए लाते हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स लाते हैं कल्चर के। प्लीज़ इन्हें अप्रिशिएट करिए। प्लीज़ जब भी आप ऐसे ट्रैवल करें जैसे हम करते हैं, आके विजिट करिए। क्योंकि आजकल क्या हो गया, अगर आपको वीडियो दिखेगा कि बंदर और हाथी की लड़ाई हो रही है तो वो 5 करोड़ लोग देख लेंगे, और जब आपको इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें दिखती हैं जो मतलब लोग लाखों किलोमीटर से आके दूर देखना चाहेंगे, उस पर बहुत कम व्यूज़ आती हैं। क्यों? सोचने की बात है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत सही कहा इन्होंने। आप छोटे मोटे कुत्ते बिल्ली के वीडियोस में तो बहुत सारे लाखों लोग देखते हैं, आप शेयर करते हैं, लेकिन ये आपका इतिहास है, ये आपका कल्चर है, ये थे आप, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का इंटरेस्ट बढ़े। तो ये रिक्वेस्ट है हमारी, क्योंकि हमारे जो खाने के वीडियोज़ होते हैं उसमें तो बहुत अच्छे नंबर्स आते हैं, लेकिन इन वीडियोज़ में बहुत ख़राब नंबर्स आते हैं, कोई नहीं देखता। और आजकल ये जो हाइपर नेशनलिज्म, इंडिया इंडिया ये सब बातें चल रही हैं, इसका कोई मायना नहीं जब तक आप ये समझ के, देख के, सीख के, इसको अपनी प्राइड लें इस चीज़ से कि हम क्या क्या करते थे इतने हजारों साल पहले। तो प्लीज़ भुवनेश्वर आएँ तो उदयगिरी खंडागिरी ज़रूर आएँ, और अगर ना पहुँच सके तो ये वीडियो तो ज़रूर शेयर करके एक दूसरे को इनके बारे में बताएं। आपने इतनी वाइज चीज़ें बोली हैं तो मतलब मैं इंस्पायर हो गया एक लास्ट वाइज चीज़ बोलने के लिए। बुआ के जो हस्बैंड होते हैं उसको बोलते हैं फूफा, और जो ओडिशा में जो केव्स हैं उसको बोलते हैं गुफा। हो गया। हाँ।